बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। कल जो हम लोगों ने देखा था कि स्टार्ट किया था डिराक नोटेशंस को, आज हम इंशाल्लाह उसी डिराक नोटेशन को ही फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि ये डिराक नोटेशंस क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे हम इनको यूटिलाइज करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी नोट्स ओपन कर लूं ताकि आपको इजीली इसमें से नजर आ जाए। जी, तो ये हमारे पास ओपन हो गई, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी डिराक नोटेशंस। तो इसमें आप देखें, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस, बेसिकली ये जो स्टेट वेक्टर्स हैं ये एक वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ये एक एन डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करते हैं। जैसे आपके पास कोई सिंपल वैक्टर होता है, वो क्या होता है कि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सपोज बिलोंग करता है, तो उसमें क्या होते हैं, थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं एक्स वाई और जी, तो उन तीन कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है, तो वो उसकी एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है। लेकिन जो वेव फंक्शन होते हैं ये बेसिकली एन डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करते हैं, जिस तरीके थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसी को हम अगर एक्सटेंड करते जाए तो एन डायमेंशनल स्पेस बन जाती है और उसको हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो स्टेट वैक्टर है साई, स्टेट वेक्टर साई इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ये हमारे पास सिंबल है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये हमारे पास सिंबल क्या कहलाता है, ये सिंबल जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये कैट कहलाता है, और हम किसी भी स्टेट वेक्टर को इस कैट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेंबर होता है उस हिल्बर्ट स्पेस का, जिस तरीके से कोई सिंपल वेक्टर जो है वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस का मेंबर होता है, इसी तरीके से ये स्टेट वेक्टर साई या कैट जो है वो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर होता है। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं, स्टेरिक ले लेते हैं, स्टेरिक ले लेते हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये ब्रा में चेंज हो जाता है, इस तरीके की इसकी जो है ना वो नोटेशन बन जाती है। मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप चेक कर लें, तो ये जो ऊपर हाईलाइट किया हुआ है ये कैट है, इसी का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये हिल्बर्ट स्पेस का रूल है कि अगर रियल फैक्टर एक स्पेस से या आप कह लें कि एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर एक स्पेस से बिलोंग करे और उसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया जाएगा तो वो डुअल स्पेस से बिलोंग करेगा, उसको हम डुअल हिल्बर्ट स्पेस भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि आप इसको किसी स्टेट वेक्टर को कैट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को ब्रा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो चीजें ब्रा कैट नोटेशंस में या डिराक नोटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इनको डिफाइन करना, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम इन्हीं की मदद से ही फर्दर डिफाइन करेंगे, जितनी भी चीजें होंगी वो हम इन्हीं की मदद से ही डिफाइन करेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट जो है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सिंबल आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। इसमें देखें एक आप कह लें कि लेस देन का साइन है, दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन है और फिर एक ग्रेटर देन का साइन है, तो एक्चुअली ये जो इसका हाफ लेफ्ट हाफ पार्ट है ये ब्रा को शो कर रहा है और इसका जो राइट हाफ पार्ट है वो कैट को शो कर रहा है, यानी ब्रा और कैट अगर आपस में मल्टीप्लाइड हो ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास
जो नोटेशन बनती है ब्रा कैट उसको हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट को हम बाज़ औक़ात यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं एक फाई कॉमा एंड टू साई, तो फाई कॉमा साई अगर होगा ये भी इनर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से यूं भी डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक यू कैन से के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो लाइक दिस, जिस तरीके से ये फाई दरमियान में लेफ्ट साइड पे ब्रा है और राइट साइड पे कैट है, तो ब्रा कैट नोटेशन में इसको हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं। नीचे इसको इक्वेशन में शो किया गया है कि फाई कॉमा साई, ठीक है, इसको इक्विवेलेंटली हम शो कर सकते हैं फाई इनटू साई यानी ब्रैकेट के फॉर्म में, ये सारा क्या कहलाता है इनर प्रोडक्ट कहलाता है। तो अभी तक हमने तीन चीजों को डिफाइन किया, हमने कैट को डिफाइन किया, हमने ब्रा को डिफाइन किया और हमने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया। तो ये तीन चीजें हमारे पास ब्रा कैट नोटेशन की बेसिक्स हैं। अच्छा अब हम आते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पर कि प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा और हमें आइडिया होगा कि कैसे इनको हम यूटिलाइज करेंगे मुख्तलिफ इक्वेशंस में और क्या क्या इनकी मुख्तलिफ आप कह लें कि खसूसियात हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इनमें से पहली प्रॉपर्टी आप देखें, एवरी कैट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा, जो भी कैट होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा होगा, क्योंकि आपको पता है कि कैट क्या है, एक स्टेट वैक्टर है और एक स्टेट वैक्टर इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है और डेफिनेटली अगर ये कैट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इट मस्ट हैव अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सो अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो हर कैट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या कहलाता है, ब्रा कहलाता है। सो इट मीन्स कि एवरी कैट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा। तो ये नीचे आप इक्वेशन देख सकते हैं कि ये कैट है, ठीक है, और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस है, ये जो डबल एरो लाइन है ये कॉरस्पॉन्डेंस शो कर रही है और आगे ब्रा है, यानी एवरी कैट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा, जो भी कैट होगा उसके साथ एक यूनिक ब्रा होगा, ठीक है। तो दूसरा, देयर इज वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ब्राज एंड कैट्स, तो उसमें ये होता है कि अब आगे थोड़ा सा अगर इसको इसको कॉम्प्लेक्स करें कि मसलन कि ये हमारे पास एक कैट है साई और इसके साथ कोई स्केलर वैल्यू ए मल्टीप्लाइड है, ये स्केलर जो है ये इन जनरल एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जितने भी नंबर होंगे जनरली हम कम्प्लेक्स लेंगे लेकिन एक स्पेशल केस के तौर पर उनको रियल भी ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल कम्प्लेक्स होंगे। अब ये कम्प्लेक्स स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाइड है विद कैट प्लस एक कम्प्लेक्स वैल्यू मल्टीप्लाइड है विद फाई, फाई इज अनदर कैट, ठीक है, और दो कैट्स को एड किया गया है उनकी कम्प्लेक्स कुछ वैल्यूज स्केलर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके। अब इनकी कॉरस्पॉन्डेंस किससे होगी, अब देखें हम अगर इस ओवरऑल पूरी यानी आप कह लें कि पूरी इस दोनों टर्म्स का स्टेरिक ले लें, इनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे इस क्वांटिटी का तो क्या होगा, ए स्टेरिक हो जाएगा यानी ए स्केलर वैल्यू इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा, और कैट का अगर हम स्टेरिक लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रा में कन्वर्ट, क्योंकि कैट को जब भी स्टेरिक लेंगे ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्टेरिक, ठीक है, और ये कैट है वो ब्रा में चेंज हो जाएगा। यही चीज आगे दिखाई गई है, आप इस पर गौर करें अगर तो ए स्टेरिक और आगे ब्रा दिखाया गया, ठीक है, तो एक्चुअली ये इस क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया गया। इस तरीके से बी का अगर लिया जाएगा तो ये क्या होगा, बी स्टेरिक हो जाएगा और ये जो फाई कैट है ये फाई ब्रा में चेंज हो जाएगा, तो यही बात आगे लिखी हुई है बी स्टेरिक और फाइव ब्रा में लिखा। तो इस वजह से कहने का मकसद ये है कि अगर एक कैट हो तो वो ब्रा में चेंज हो जाएगी, उसकी करस्पॉन्डिंग ब्रा होगी। अगर आपके पास मुख्तलिफ कैट्स को ऐड किया गया होगा विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर वैल्यूज तो फिर स्केलर वैल्यूज का स्टेरिक आ जाएगा और कैट्स क्या है करस्पॉन्डिंग ब्रास में चेंज होती चली जाएगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इनकी मुख्तलिफ, इसको एक्सप्लोर करने के लिए आप देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद नीचे आप इक्वेशन देखें
अब ये कैट के अंदर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है, ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स वैल्यू है इन जनरल। तो अगर हम हमारे पास ये कैट के अंदर है और स्केलर वैल्यू है तो इसको हम कैट से बाहर निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। जिस तरीके से आप एक वेक्टर में के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में कोई चीज कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं, एग्जैक्टली यही भी ऐसा है, क्योंकि स्टेट वेक्टर है, इसकी प्रॉपर्टीज वही है और इसमें से हम एक कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए को बाहर निकाल गया है और आगे आपके पास साई आ रहा है। और उसके बाद आगे देखें एक ब्रा है, कॉरस्पॉन्डिंगली ब्रा में भी हम इसी तरीके से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ब्रा में से भी हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, ये आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम नीचे और आते हैं, ये तो कैट और ब्रा की प्रॉपर्टीज थी, ये जो दोनों ऊपर दिखाई गई थी। नीचे हमारे पास है कि हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट की या इनर प्रोडक्ट की, इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो इनर प्रोडक्ट आपने अभी डिफाइन किया कि इनर प्रोडक्ट क्या है, एक ब्रा और कैट क्या मल्टीपल है। जिस तरीके से हमारे पास वेक्टर्स में क्या होता है, ए डॉट बी होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसको हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरीके से स्टेट वेक्टर्स की फॉर्म में हम ब्रा इनटू कैट को कहते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाई और साई इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया गया है, तो अब ये जो फाई है ये क्या है, ये ब्रा है, ठीक है, फाई आपके पास ब्रा है, तो ब्रा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैट में। और इस तरीके से साई जो है वो हमारे पास कैट है, कैट का इनर प्रोडक्ट, कैट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ब्रा में कन्वर्ट होगा। तो यही चीज आगे दिखाई गई है कि ये जो साई है कैट था वो ब्रा में चेंज हो गया, ये देखें ये ब्रा में चेंज, ठीक है, और फाई जो कि ब्रा था वो किसमें चेंज होगा, वो कैट में चेंज होगा, ये देखिए। तो कैट ब्रा में और ब्रा कैट में चेंज होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने से, ठीक है। तो यही चीज इनर प्रोडक्ट में भी होगी कि इनर प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें होंगी, एक ब्रा होगा एक कैट होगा, जो ब्रा होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग कैट में चेंज हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ, और जो कैट होगा वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रा में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इनर प्रोडक्ट में ये आपके पास क्वांटिटी आती है। कभी भी आप यूं नहीं लिख सकेंगे कि फाई ब्रा फाई साई कैट इक्वल टू फाई ब्रा साई कैट, ऐसे नहीं लिख सकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस जरूरी है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स जो है ना वो चेंज होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं आगे, ये थोड़ी उन्होंने इंटेग्रल फॉर्म में भी इसकी एक्सप्लेनेशन की है। अब ये जो हमारे पास होता है ना ये फाई इंटू साई इनर प्रोडक्ट, ये बेसिकली क्या होता है, इसको अगर हम, ये तो हमने ब्रा कैट नोटेशन में लिखा है ना, अगर हम इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखें यानी कंटिन्यूअस बेसिस में लिखें, तो ये जो ब्रा है, ब्रा को हम फाई स्टेरिक से शो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आपको पता है ना कि जो अगर वेव फंक्शन साई होता है तो उसका जो स्टेरिक लिखते हैं, तो हम जब प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने लगे थे तो हम साई स्टेरिक साई इंटू डी क्यूब आर वगैरह इस तरीके से हमने लिखा था। तो एक्चुअली ये जो इनर प्रोडक्ट है ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना, डिराक नोटेशन के अंदर इनर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो इधर हमारे पास अब ये ब्रा है तो ब्रा को हम स्टेरिक की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, साई है तो इसको हम एज इट इज वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, और इंटेग्रल के लिए हमें ये कॉन्स्टेंट ऑफ जो है ना वो इंटीग्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं सॉरी जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ इंटेग्रल होगा। अब इसको ओवरऑल उसने स्टेरिक लिया है तो हमने इस तरफ भी ओवरऑल स्टेरिक ले लिया। स्टेरिक लेने से क्या हुआ कि अब ये इस फाई का डबल स्टेरिक जब होगा, एक स्टेरिक ये है एक और स्टेरिक लिया,
तो किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का अगर आप दो दफा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो वही वेरिएबल वापस आ जाता है। इस तरीके से ये फाई एज इट इज वापस आ जाएगा। और साई पर चूंकि कॉम्प्लेक्स नहीं था तो इसके पर हम जब स्टेरिक लेंगे तो ये स्टेरिक में आ जाएगा। और इस तरीके से अब इस क्वांटिटी को हम क्या लिखेंगे, यानी ये जो साई स्टेरिक है ये ब्रा की शक्ल में आएगा और फाई जो है वो कैट की शक्ल में आएगा। तो अगेन बात वही हुई कि फाई जो है इसका अगर हमने कंप्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो ये कैट में चेंज हो गया, साई जो है इसका कंप्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो ये ब्रा में चेंज हो गया, और वही सूरत यहाँ पर आपको नजर आ रही है। फर्दर इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने यूज करनी है वो मैं यहाँ पे बयान करता जाऊं। ये देखें आप, एक तरफ ब्रा में हमारे पास जस्ट साई है और कैट में सिर्फ एक साई नहीं है बल्कि लीनियर कॉम्बिनेशन है दो वेव फंक्शंस का। ये जो है ना A1 साई 1 प्लस A2 साई 2, यानी मुख्तलिफ वेव फंक्शन को अगर हम कंबाइंड करेंगे ना तो वो कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। क्योंकि आपको आपने पढ़ा हुआ है कि एक्चुअली ये वेव फंक्शन है क्या, ये सोल्यूशंस है आप कह लें कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। बाद अवकात डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूट आता है, बाद अवकात ज्यादा रूट्स आते हैं। तो अगर एक से ज्यादा रूट्स आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि उन रूट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, और आप कहते हैं कि अगर ये रूट्स अलहदा अलहदा इस इक्वेशन के सोल्यूशन है तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास है ना A1 साई 1 प्लस A2 साई 2, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस मुख्तलिफ सॉल्यूशंस का। लेट्स से साई 1 और साई 2 अगर सॉल्यूशंस हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में मौजूद हो सकता है, इस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ। तो अब ब्रा में हमारे पास सिर्फ एक वेव फंक्शन है और कैट में हमारे पास एक जो है वो आप कह लें कि लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि हम इस A1 को बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से हम A2 को भी बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्केलर है। और ये आपस में अब जैसे मल्टीप्लीकेशन में होता है ना कि ये जो ब्रा है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। काइंडली म्यूट रखें अपने आप को, बार बार मुझे म्यूट करना पड़ता है सबको, तो आप खुद ही अपने आप को म्यूट रख लें। अच्छा ये A1 जो है हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो A1 को बाहर निकाल लिया, हमारे पास ये साई और साई 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिर इस तरीके से A2 को हमने बाहर निकाला तो फिर ये साई जो है ये यहां पर जाकर साई इंटू साई 2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल नीचे वाले भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होंगे जैसा कि आप लोग सिंपल मल्टीप्लीकेशन में करते हैं ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉर्म इज रियल एंड पॉजिटिव। नॉर्म का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेट वेक्टर अपने ही ब्रा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उसका नॉर्म कहलाता है। जैसे वहां ऊपर हमारे पास फाई इंटू साई था लेकिन यहाँ पर साई इंटू साई है, जब दो सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो नॉर्म कहलाता है। ये नॉर्म जो है ना या तो इसकी रियल वैल्यू होगी या इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं हो सकती। और ये जीरो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर इनमें से वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगा। उसके बाद ये श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे यूजेज के हवाले से।
तो इसको भी आप देख सकते हैं ये साई इंटू फाई का स्क्वायर है, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा अगर हम साई और साई को मल्टीप्लाई करें और फाई को मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप थोड़ा सा खुद से देख लीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है। मैं बताता हूं आपको ऑर्थोगोनल स्टेट्स। ऑर्थोगोनल स्टेट्स ये होती हैं कि अगर दो स्टेट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो आए तो हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है। जिस तरीके से वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं कि अगर ए डॉट बी हमारे पास जीरो आए तो वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो स्टेट्स यानी कि साई और फाई का इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल स्टेट्स है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे है हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स। ऑर्थो नॉर्मल ये है कि अगर दो स्टेट्स का प्रोडक्ट वन आए, दो एक जैसी स्टेट्स का प्रोडक्ट वन आए और दो डिफरेंट स्टेट्स का प्रोडक्ट जीरो आए, ठीक है, तो ये कहलाती है, ये वाली क्या कहलाएंगी, ऑर्थोगोनल कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी, ये नॉर्मल कहलाएंगी। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन इस तरीके से होती है ना, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है उस तरह की, यानी सेम स्टेट्स का प्रोडक्ट वन आए और अगर दो डिफरेंट स्टेट्स हो तो उनका प्रोडक्ट जीरो आए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी या ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल वो होती है कि अगर स्टेट डिफरेंट हो तो जस्ट उनका आंसर जीरो आए, यानी इनर प्रोडक्ट जीरो आए। लेकिन ऑर्थो नॉर्मल में ये होता है कि डिफरेंट स्टेट्स हो तो जीरो भी आए और प्लस साथ ये कंडीशन भी हो कि सेम स्टेट्स का आंसर वन भी आए, ठीक। तो इस सूरत हाल में हम इसको कहते हैं कि ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पैरामीटर्स थे, ऑर्थोगोनल स्टेट्स और ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स। इनको इन पर आपने तवज्जो देनी है और अगर आपको इसमें कोई मसला नजर आए तो आपने मुझे बताना है। यहां तक कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप फर्दर मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी जी सर, ऑर्थोगोनल रिपीट कर दें थोड़ा सा। ऑर्थोगोनल ये है, एक सेकंड। यस सर। ऑर्थोगोनल ये है कि जो आपकी है ना आवाज आ रही है आपको, यस सर जी। तो ऑर्थोगोनल ये होते हैं कि अगर दो डिफरेंट स्टेट्स हो ना हमारे पास तो हम लोग उनको आपस में उनका इनर प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो वो जीरो आ जाए, वो कहलाती है ऑर्थोगोनल स्टेट्स। जिस तरीके से हमारे पास ए डॉट बी अगर दो वेक्टर्स हो और उनका आंसर जीरो आए तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। किसी और का क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। सर बरा में अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्टेरिक बन जाता है, कैट में नहीं होता, ये क्यों? बरा में क्या सर, बरा में अगर स्केलर मल्टीप्लाई करें तो स्टेरिक के साथ बाहर आ जाता है और कैट में ऐसा नहीं होता, ये क्यों है? कैट में ऐसा नहीं होता? यस सर, कैट में वो स्टेरिक नहीं बनता, स्केलर। इस तरीके से कैट में इस वजह से नहीं बनता क्योंकि ब्रा एक्चुअली है क्या, ब्रा जो है ना वो कैट का स्टेरिक है, ठीक है ना। एक्चुअली होगा ये कि कैट में जो साई था ना उसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी सर।
हाँ तो कैट में जो होगा ना, अब हम उसका स्टेरिक लेंगे ना, तो कैट तो ब्रा में चेंज हो जाएगा स्टेरिक की वजह से, ठीक है। लेकिन जो स्केलर होगा वो किधर जाएगा, वो जैसे ही बाहर आएगा तो उसके ऊपर स्टेरिक होगा, ठीक है। ठीक है सर। और कोई फर्दर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेज कर भी पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद हाशिम। ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैंने पूछना था ओब्लिक ग्रुप कौन से होते हैं? क्या पूछा आपने? सर ओब्लिक ग्रुप कौन से होते हैं? सॉरी मुझे नहीं मालूम ओब्लिक किस सेंस में, किस टॉपिक के रेलिवेंट आप पूछ रहे हैं? यहाँ पर तो कोई ऑब्लिक ग्रुप की बात नहीं हुई। सर ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो आपने सर पढ़ाई है इसको रिवाइज करते हैं सर ये। जी जी कौन सी? सर ये इनर प्रोडक्ट की सर, ये जो हमने स्टैटिक लिया और फिर इसको सर इंटीग्रल में चेंज किया था। हाँ बिल्कुल, ये जो इनर प्रोडक्ट है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को। सिस्टम की प्रोबेबिलिटी कैसे हमने डिफाइन की थी? हम लोगों ने कहा था कि कोई भी जो सर स्लाइड शेयर कर दें सर। अच्छा मैं करता हूँ। कोई भी सिस्टम है ना, ठीक है, तो अभी ये मुझे देखनी पड़ेगी, मैं चलो आपको वैसे बता देता हूँ फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा स्लाइड। तो कोई भी सिस्टम है ना, उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी लेनी है तो हमारे पास वो क्या होता है, साई स्टेरिक, साई के बराबर होता है इनटू द जो भी एलिमेंट होता है। तो अब अगर हमने इनर प्रोडक्ट की को हमने चेंज करना है ना इंटेग्रल की फॉर्म में, तो इनर प्रोडक्ट अगर हमारे पास है फाई ब्रा इनटू साई कैट, तो फाई ब्रा जो है ना वो एक्चुअली फाई स्टेरिक को शो कर रहा है और साई कैट जो है वो साई एज इट इज साई को शो कर रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ इनके कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और इंटेग्रल साइन पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास उसकी इंटेग्रल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, अदरवाइज कल हम इंशाल्लाह फिर इसको फर्दर आपको क्वेश्चंस होंगे तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। सर जो स्टेट वेक्टर का कॉन्जुगेट हम लेंगे वो डुअल स्पेस से बिलोंग करेगा, ये किस तरह है थोड़ा? इसको इतनी डिटेल में तो अभी बताने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एन डायमेंशनल स्पेस होती है और फिर फर्दर उसकी एक डुअल स्पेस होती है। ये इस तरह से है कि जिस तरह से आप एक आर्गेन डायग्राम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप कुछ एक्सेस हैं जिनके ऊपर आप रियल पैरामीटर्स को ड्रा करते हैं, कुछ पर उनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को ड्रा करते हैं। तो हिल्बर्ट स्पेस है ये एक कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स को ड्रा करने के लिए एक स्पेस है, और फिर जब हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो एक और स्पेस में जाकर कंजुगेट करने पड़ते हैं, बस डुअल स्पेस कहलाती है, डुअल हिल्बर्ट स्पेस हम उसको कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल जो है ना फिर हम इसको फर्दर देखेंगे। क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज की फॉर्म में भी भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।
کل انشاءاللہ اسی وقت ہوگی 10 بجے انشاءاللہ. ٹھیک اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.